फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे वेजिटेबल स्टू। तो उसके लिए ले लिए हैं कुछ वेजिटेबल, आपको दिखा देते हैं। ये ले लिया हमने पपाया, कैप्सिकम, कैरेट, टमाटो और ये स्वीट कॉर्न और ये दो चिल्ली। इनमें ले लेंगे ये एक चम्मच घी, एक चम्मच घी हमने ले लिया है। दालचीनी का टुकड़ा और ये 10 से 12 काली मिर्च, दो लौंग और ये इलायची, इसको चटका लेंगे। आप चाहे तो बटर भी ले सकते हैं, यहाँ मैंने घी का यूज़ किया है, देसी घी का। और अब मैं लूँगी ये लहसुन कट किया हुआ, ये रेसिपी मैं अक्सर बनाती हूँ, बच्चों के लिए बहुत फ़ायदा है और हमारे लिए भी। ये रेसिपी ज़रूर खाएं, बनाएं, ज़रूर बनाएं खाएं। और ये ले लिया है हमने प्याज कट किया हुआ, गैस को मीडियम फ्लेम पे रखेंगे अभी थोड़ा। गैस को हमने लो मीडियम पे कर लिया है और ये हल्का सा नमक डालेंगे, इससे क्या होगा जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगी प्याज, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सॉफ्ट होने में। बहुत ज़्यादा हमें नहीं भूनना है प्याज को, हल्का सा ही सौते करना है इसको, हल्का सा ही भून लेना है। ढक देते हैं इसको थोड़ी देर के लिए और आपको बाकी की जो वेजिटेबल हैं वो दिखा देते हैं। और अब ये सारी वेजिटेबल इसमें ऐड कर देंगे। और इनको भी चला देंगे, इस टाइप से इसको चला देंगे। ढक देंगे इसको, मीडियम फ्लेम पे रखें। और यहाँ पर ले लेंगे थोड़ा सा अदरक का पेस्ट, अदरक का पेस्ट का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसको ढक देंगे अभी और अब इसे हम दोबारा चला देते हैं। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है और ये पानी हमने ले लिया है, खौला लिया है इसमें डालने के लिए। ये 2 गिलास पानी लिया है, हमें जितना लगेगा हम डालेंगे इसमें। पानी को खौला के ही डालें, ऐसे ना डालें, इससे टेस्ट भी अलग आता है, अच्छा आता है। हम डालेंगे इसमें नमक स्वाद के अनुसार, थोड़ा धनिया, हरा धनिया। और अब फिर से चेक करेंगे, गाढ़ा करने के लिए डालेंगे हम कॉर्नफ्लोर, इससे बहुत अच्छा गाढ़ापन आ जाता है। बहुत अच्छी थिकनेस आ गई है, जितनी थिकनेस होनी चाहिए। बहुत ही बढ़िया बना है ये स्टू, हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। इसे अब बर्तन में निकाल लेंगे, किसी गैस को कर देंगे बंद।
अब डालेंगे थोड़ी सी हल्की सी काली मिर्च पीसी हुई और थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर से, ताकि देखने में भी सुंदर लगे खाने के साथ साथ, है ना फ्रेंड्स। और ये बटर के पीसेस हो गया ना तैयार, कितना बढ़िया देख सकते हैं। ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।